को बताना चाहता हूँ, ये जो सुनहरी कलम है, इस सुनहरी कलम से महेंद्रगढ़ की जनता, हमारे परिवार एक सुनहरी इतिहास लेने जा रहा है महेंद्रगढ़ का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार बदलाव चाहते हैं हम, क्योंकि ये देख चुके हैं और इनसे थक चुके हैं, हार चुके हैं, और अभी महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़ की दशा और दिशा को बदलना है, और उसके लिए हमारे SDM साहब भी काबिल हैं जो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ईमानदारी सच्चाई के साथ है, 45 साल हम देख चुके, हमारे महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ नाम टैग हटाना चाह रहे हैं, हम दुखी हो लिए। हम भी जहाँ भी जाते हैं तो महेंद्रगढ़ का नाम लेते हैं, तो ये ऐसा मतलब क्रिएट करते हैं कि भई ये तो रियल में पिछड़ा हुआ है। हम तो बस यही कह रहे हैं कि हम आपकी वोट हम अपने संदीप साहब को दे रहे हैं, क्योंकि ये सच्चा और ईमानदार आदमी है, इसी की खुशी में हम बहुत खुश हैं। ये हमारे महेंद्रगढ़ को चमकाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा, इसी को लेकर हम बहुत खुश हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे संदीप साहब आए और हमारे महेंद्रगढ़ को चमकाए। बस मैं ये कहना चाहूँ SDM संदीप महेंद्रगढ़ से बहुत वोटों से ज्यादा जीतेगा। और हाँ, SDM संदीप जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सबसे पहला वोट गया था लोकसभा चुनाव के, उसके बाद मैं देखता रहा हूँ 1986 से लेकर आज तक किसी भी नेता ने ये नहीं कहा आई लव महेंद्रगढ़, सिर्फ एक संदीप सर ने कहा है वी लव महेंद्रगढ़। और मैं ये कहता हूँ जी, संदीप सर ने ये कहा ना वी लव महेंद्रगढ़, तो मैं ये कहता हूँ हम सभी की तरफ से वी लव संदीप सिंह ठू। हाँ जी, हाँ जी, और हम इनको इतने भारी बहुमत से जिताएंगे। वहाँ गुजरात में तो अमित शाह ने तो रिकॉर्ड तोड़ा था, और यहाँ से महेंद्रगढ़ संदीप सिंह जी करेंगे रिकॉर्ड टूटेगा बिल्कुल। हम लोग कहते हैं संदीप जी हमारे इलेक्शन होते हैं, कोई भी हमारी ढाणी हो कोई निबूतता और वोट देते हैं वहाँ पर, कोई ढाणी निबूतता, हम संदीप के साथ हैं। संदीप जी आते रहते हैं? आते रहते हैं वहाँ पर हम। संदीप जी आते हो, कोई नहीं आता आपके पास? अच्छा, इस वजह से और नेताओं से नाराज नहीं? आज तक मैं किसी के निशान लगाए बीच विश्व आज तक का निशान नहीं लगा मैं कितने भी, मेरा रिकॉर्ड है इस बार हम संदीप के साथ हैं। संदीप जी के लिए वोट कर रहा था? हाँ, आपकी बार भी वोट करने के लिए? बिल्कुल, खुला तोड़ा का मैर। ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जहां भी संतान पैदा होती है वहां पे हम एक संविधान की कॉपी जरूर देते हैं, ताकि जो आने वाली संतान है वो आगे एक बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बने, और लोगों को बताया जाए कि जो जो व्यक्ति संविधान पढ़ता है संविधान के अंदर ही सब कुछ है। जहां भी कोई मैरिज होती है, कोई रिटायरमेंट होती है, या फिर मेन जहां पे संतान पैदा होती है वहां पे संविधान कॉपी जरूर प्रेजेंट करते हैं। ज्ञानी जी के भी पोता हुआ था, तो इनकी भी संविधान की कॉपी मैं इनको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के सिगड़ा गांव में मौजूद हैं, और सिगड़ा गांव में काफ़ी लोग हैं, और यहां पे पब्लिक मीटिंग भी यहां पे पूर्व SDM संदीप सिंह के द्वारा की जा रही है। और संदीप जी क्या कहना चाहेंगे, कुछ ही समय बाकी है चुनाव का, हम कहते हैं कि भी जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं चुनाव के दिन, तो वैसे वैसे लोगों के रुझान भी बदलते जा रहे हैं, और हरियाणा के समीकरण भी कहीं ना कहीं चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कल एक बड़ा जैसे बदलाव हुआ हरियाणा में, तो क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ की जनता महेंद्रगढ़ में भी बदलाव करने जा रही है, और जो 45 साल का रिकॉर्ड है वो तोड़ने जा रही है? सैनी साहब, सबसे पहले मैं नथु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके नथु जी के पोता हुआ है, आज हम इसी उपलक्ष में कुआ पूजन पे यहाँ पे आए हैं, और हमने आज नथु जी के पोते को आशीर्वाद दे दिया है कि इनका पोता एक बड़ा अफसर बने और समाज सेवा करे। आप जैसे देख रहे हैं सैनी साहब, बदलाव की बात शुरू हो चुकी है, लोग 3 महीने की वेट कर रहे हैं, यानी 90 डेज की। जैसे 3 महीने गुजरेंगे तो इस बार ही हमारे पूरे परिवार ने, हमारी पूरी जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार दिवाली एक बहुत बड़े स्केल पे मनाई जाएगी। और मैं सैनी साहब को बताना चाहता हूँ, ये जो सुनहरी कलम है, इस सुनहरी कलम से महेंद्रगढ़ की जनता, हमारे परिवार एक सुनहरी इतिहास लेने जा रहा है महेंद्रगढ़ का। 45 साल वाले लोगों को हमारे महेंद्रगढ़ परिवार ने नकार दिया है, क्योंकि यहाँ के हमारी जनता को, हमारे परिवार को पता है इनकी असलियत के बारे में, 45 साल वालों के बारे में, तभी इन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। तो अभी समय आ गया है एक बहुत बड़े बदलाव के, एक सुनहरी इतिहास के, महेंद्रगढ़ सुनहरी इतिहास जो मैं बता रहा था लिखा जाने जा रहा है, और वो भी 3 महीने बाद हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, और हमारा परिवार उस बड़े ओहदे की इंतजार कर रहा है, और दिन रात
हमारे परिवार कड़ी मेहनत कर रहा है और जल्दी ही हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पे आपके भोजन पे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और साहब को भी धन्यवाद या पूछने पर धन्यवाद देता हूँ। और हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं। सच्चाई ईमानदारी के साथ है, मतलब जो 45 साल वाले उनसे बस नाप चुके। अच्छा चलो ठीक है सर। तो देखिए काफी लोग हैं सर, नमस्कार, क्या कहना चाहोगे सर? हाँ मित्र जी, बिल्कुल एकदम धनवंत के साथ हैं जी, संदीप जी के साथ हैं, धनवंत धन से साथ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अब मतलब बिगड़ने वाले नहीं ना जी, कतई नहीं, 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 नहीं जी। तो सर में बहादुर की आंकड़ी थे जब भी नहीं डिगया जी। अच्छा, हमें तो साहब की आंकड़ रहा है इब भी नहीं डिगा पा तो। बिल्कुल हाँ जी, चाहे कोई भी आ जाए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे? कहना चाहा जी, हम तो साहब के साथ लगे हैं और बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती आदमी। मोदी भी सोता है 4 घंटा, ये भी 4 घंटा सोते हैं। अच्छा, दिन रात काम के लगे रहते हैं योजनाओं के। मोदी के मतलब टक्कर देता है। हाँ जी, टक्कर बिल्कुल सेम। अच्छा हाँ जी, और भारी मतों से जीतेगा, भारी मतों पब्लिक मन मुद्दा। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार बदलाव चाहते हैं हम, क्योंकि ये देख चुके हैं और इनसे थक चुके हैं, हार चुके हैं, और अभी महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़ की दशा और दिशा को बदलना है, और उसके लिए हमारे SDM साहब भी काबिल हैं जो ये काम कर सकते हैं, और सुनहरी कलम उन्होंने पकड़ रखी है, तो इसलिए उसी सुनहरी कलम से महेंद्रगढ़ का सुनहरा इतिहास लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, लिखा जाएगा और ये महेंद्रगढ़ का बिल्कुल एक नया इतिहास होगा। चुनाव यही बात है जी, संदीप जी के साथ है सारे। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग इधर भी हैं। हाँ जी भाई साहब, युवा साथी है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, हम संदीप सिंह को उस ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, जैसे मैं मोदी को पंप के ऊपर चढ़ के देख रहा था ना, सभी जनता देख रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, LED में देख रहे थे, उस ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ मैं। साथ में पूरा विश्वास है। हाँ जी, पूरी जनता वही चाहती है। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, एक मिनट के लिए मुझे आपके चैनल का पत्रकार बनने का अवसर दीजिए। अब मैं सवाल करूंगा आप। हाँ जी बताओ। आपको खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है जी। कहाँ से? खुशबू तो सर यहीं से आ रही है, इधर उधर से सर। हाँ, यहाँ 3 तरह की खुशबू है, उधर तो घी चढ़ा हुआ है एक, यहाँ फूल रखे हुए हैं दो, और तीसरी खुशबू मुझे अलग ही महसूस हो रही है। अच्छा, वो जीत की खुशबू है, इसमें सभी कुछ। अच्छा, इसमें मेरी सभी कमेंट्स। जीत की खुशबू अभी से आ रही है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ मिठाइयां भी बन रही है। हाँ जी, ठीक है, फूल भी बरसाए जा रहे हैं। हाँ जी, और जीत की खुशबू भी आ रही है, तो मतलब इशारा बड़ा है। दिवाली है जी। काफी बड़ी बात इन्होंने कह दी। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है ना, ये बजरंगबली का काम करेगी। शंकर सुमन केसरी नंदन तजय प्रताप महावंदन विद्यावान गुणिया चतुर राम काज करीब का तुर प्रभु चरित्र सुनिए कर रसिया राम लखन सीता मन। श्री प्रभु का राम लेकर बजरंग बली ने जो काम किया वही आज ये जनता काम करने जा रही है। वानर सेना की तरह काम करेगी। हाँ, वानर सेना की तरह काम करेगी। साहब के प्रति पूरा ताकत लगाएंगे। राम राम साहब, सुनता नहीं, चलो साहब राम 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 जी। क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम ईमानदारी के साथ हैं, संदीप साहब को जिताएंगे। हाँ जी बिल्कुल साहब। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम साहब के साथ हैं सब, पूरा बिल्कुल एक तरफा जी। सिगड़ा गांव आसपास के अनावास सब साथ नहीं है, अनावास के भी आदे जी। अच्छा, सारे गाँव साथ है, झगड़ो बिल्कुल जी, ये पूरी बेल्ट ही साथ है। हाँ जी, पूरी बेल्ट, पूरी बेल्ट। हाँ जी, एकता की मिसाल है जी। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे? सर अब के तो माहौल बिल्कुल बदल चुका है और बिल्कुल ईमानदारी सच्चाई के साथ है। 45 साल हम देख चुके, हमारे महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ, नाम टैग हटाना चाह रहे हैं, हम दुखी हो लिए। हम भी जहाँ भी जाते हैं तो महेंद्रगढ़ का नाम लेते हैं, तो ये ऐसा मतलब क्रिएट करते हैं कि भई ये तो रियल में पिछड़ा हुआ है। और यहाँ अच्छी अच्छी पावर में मंत्री बने हैं, MLA बने हैं, पर उन्होंने बिल्कुल ही जीरो स्केल पे काम किया, कोई विकास नहीं किया। हम तो ये चाह रहे हैं कि अब की बड़ा बदलाव हो और महेंद्रगढ़ का विकास हो, और हम यही चाह रहे हैं कि SDM साहब के बिल्कुल साथ हैं। नमस्कार जी सिंह साहब। नमस्कार जी साहब, कहना क्या चाहेंगे? हमारी नत्थू की टीम है, इसमें कम से कम 100 आदमी है, और हम इनके साथ हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। इसी गांव के 100 आदमी? हाँ जी, बाहर तक के हैं जी, चेतनांग देवास, मेघनवास, सुदनवास,
बहुत काफी संख्या में 100 की स्ट्रेंथ के लगभग है। ये इस साइड की बेल्ट होगी ना? हाँ, नहीं नहीं सारी है हमारी नथू की टीम की। सेना तैयार हो चुकी है, लंका पे अब हमला हमला बोलेंगे। हाँ जी, तो सारे के सारे हम मेहनत कर रहे हैं जी और दिन रात एक कर देंगे और साहब को विजयी बना के भेजेंगे यहाँ से। नमस्कार सर, संदीप साहब के साथ हैं और संदीप साहब को पूरे भारी मतों से जिता करके आगे पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं जीत हो हमारी। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहोगे? ये तो सरपंच साहब है, हमें जानते हैं जी। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में रहते हो आप? यही रहते हो जिसी गांव में? हमने तो हमारा एरिया, हम तो सी को नहीं, हम तो भाई ने जिताया खड़ा है। अच्छा, तो आप रिश्तेदारी में आए हुए सारे? सेलंग से? सेलंग वालों की रिश्तेदारी तो घनी है। तो वोट को रिश्तेदारियाँ तो है महेंद्रगढ़ में, रिश्तेदारियाँ तो है में। हाँ। है ना, तो उनको तो दिलाओगे? नमस्कार जी, हम तो बस यही कह रहे हैं कि हम आपकी वोट हम अपने संदीप साहब को दे रहे हैं क्योंकि ये सच्चा और ईमानदार आदमी है, इसी की खुशी में हम बहुत खुश हैं। ये हमारे महेंद्रगढ़ को चमकाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा, इसी को लेकर हम बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे संदीप साहब आए और हमारे महेंद्रगढ़ को चमकाए, बस यही हमारी सोच है। संदीप साहब ने जिताना चाहा, अच्छे व्यक्ति हैं, पहले नेता थे, उनमें कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देते। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया दोनों ने। अच्छा, तो बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव पूरा। के साथ हैं और उनको ईमानदारी और सच्चाई का साथ देंगे और उन्हीं को अब की बार महेंद्रगढ़ का विकास करने के लिए जिताएंगे और हमारे बच्चों के लिए कुछ रोजगार और करेंगे विकास। हाँ, इन पे आस है। हाँ, जिताओ ना। हाँ जी, फैमिली भी साथ थी, इनका परिवार है, काफी बड़ा परिवार है। ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र बता रहे हैं, काफी बड़ा परिवार है। तो देखिए, सभी लोगों ने, सभी माताओं बहनों ने और काफी लोगों ने ये कहा है कि भी यहाँ पे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को ही समर्थन देंगे और काफी लोगों से हमने बातचीत करवाई है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।